नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सहारनपुर में एक 8 वर्षीय बच्ची जरी ने अपने गुल्लक में इकट्ठी की हुई धनराशि को तोड़कर गरीबों में राशन बांटने के लिए इकट्ठा हुई धनराशि को अपने पिता को सौंपा है। 8 वर्षीय इस बच्ची जरीन का कहना है कि हमारा देश महामारी कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इसलिए मैं गुल्लक में इकट्ठा धनराशि को अपने पिता को देकर राशन लाकर गरीबों में बंटवाना चाहती हूँ। वही जरीन के पिता ने मीडिया को बताया कि 8 वर्षीय बच्ची जरीन का कहना है कि जैसे जगह जगह पर प्रशासन कोरोना योद्धाओं के काम देखने के रूप में देखने को मिलती है, मैं भी उसी को देखते हुए कुछ करना चाहती हूँ। जरीन के पिता का कहना था कि मेरी बेटी ने भी यह फैसला किया कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें कि कोरोना को हरा सकें। उन्होंने बताया कि जरीन शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती है और अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है। तो वे पड़ोस के रहने वाले बाबर गाजी ने कहा, बच्चे की सोच वाकई में काबिल तारीफ है। आपका नाम जरीन, ये क्या किया है आपने? हाँ जी, अब ये जो पैसे हैं उसका क्या करोगे? आपका नाम उस्मान, क्या नाम है आपकी बिटिया का? क्या किया आज? दो गुल्लक इसने बच्चे ने खोले, एक में से राशन लिया है और एक से एक दिन या दो दिन बाद फिर ला के बांट दिया। गरीब और मजदूर जो भी लोग हैं उनमें राशन बांट दिया। कब से पैसे इकट्ठे करते आ रही थी? ये सब सालों से इकट्ठे करते हैं पैसे, बच्चे टीवी में न्यूज़ देखती है, इसलिए देखती है। लोग सेवा कर रहे हैं, जैसे DM साहब, SSP साहब हमारे सेवा कर रहे हैं सबकी, इससे भी प्रेरणा मिली कि ये भी अपने। कितने साल की गुड़िया है ये? सब 8 साल की। कौन सी क्लास में पढ़ती है? फोर्थ क्लास में, अब आई है थर्ड क्लास में।